में हमने अक्षरमाला में अ से लेकर अमहा तक पढ़ा था, अभी हम क से लेकर टिज्ञा तक अक्षरमाला पढ़ेंगे, ठीक है। क क कमल, ठीक है, कमल का चित्र भी आपको बनाना है। कमल, कमल को कन्नड़ में हम कहते हैं कमल। इन इंग्लिश वी कॉल लोटस, लोटस, ठीक है। अभी क होने के बाद ख, ख खरगोश, खरगोश की कन्नड़ ದಲ್ಲಿ ಮೊಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಬಿಟ್ ठीक है। अभी जो है ग, ग गमला, गमला, गमला फूलों का पौधा, और इंग्लिश में फ्लावर पॉट। ग होने के बाद घ, घ घड़ी, ठीक है। इन इंग्लिश वी कॉल, इन फर्स्ट वी का कॉल इन कमला घड़िया वाला, इंग्लिश अली वॉच अंत करी PCH watch आयता। इवग क ख ख ज्ञ, ಅದರಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ। ಇವಾಗ ಚ, ಚ ಚಮ್ಮಚ, ಚ ಚಮ್ಮಚ, ಚಮ್ಮಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಮ್ಮಚ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಚ ಚ ಛಾತಾ, ಛಾತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೊಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊಡೆ। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಆಯ್ತಾ। ಛ ಆಯ್ತು, ಛ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಜ, ಜ ಚಹಾ, ಚಹಾ
In English we call ship. Yes, such. Yes, such. I feel ship. I thought. Ivaga. Charana. ಛರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಭಿ ಜೊ ಹೇ ಜೊ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಟ ಟ ಟ ಟ ಟ ಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಹರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In English we call drum. Aita da aiti ivaga da dha vadalo ho अभी यहाँ तक हो गया ना तक. अब यहाँ आपको क्या करना है, अपने क्लास में क्लास वर्क में आपको यहाँ तक उतारना है एक बार देखकर, और एक बार होमवर्क बुक में बिना देख के लिखने के लिए सीखना है, ठीक है. और कहीं भी कोई स्पेलिंग एरर नहीं चाहिए. जो भी लिखना है अक्षरों को और मात्राओं को ध्यान में रखकर लिखिए, ठीक है.